बॉलीवुड के दबंग खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। खैर भाई जान जहां खड़े हो जाएं वहीं हेडलाइन बन जाती है, क्यों सही कह रही हूं ना। नमस्ते दर्शकों, आज की ताजा खबर क्या है समझ तो गए होंगे आप। तो शुरू करते हैं फिर मैं, आप और सलमान। रिसेंटली सुल्तान पहुंचे एक अवार्ड शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने कह सकते हैं कि बस अपना दिल खोलकर रख दिया हो। एक्टर ने बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने से लेकर ओटीटी सेंसरशिप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिया। तो पहले मुद्दा है बॉलीवुड में फ्लॉप हो रही फिल्मों का रीजन आखिर क्या है। सुनिए भाईजान की जुबानी। सलमान का कहना है कि गलत फिल्में बन रही हैं, इसीलिए वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। फिल्म निर्माताओं को लगता है कि वो बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। Hearing this for a long time कि हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही, खराब पिक्चर बना गए थे, कैसे चलेगी यार। सिंपल है, पिक्चर वो बनाओ। अब हर एक के दिमाग में ये होता है कि हम मुगले आजम बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, यू नो। बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है, क्योंकि आजकल के कुछ डायरेक्टर्स जो मैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, सलमान भड़के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले वल्गर सीन्स, अश्लील भाषा, डायलॉग्स के खिलाफ। दबंग खान के मुताबिक अगर फिल्म मेकर साफ सुथरा कंटेंट देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आजकल सब कुछ फोन पर मौजूद है। अब ओटीटी टीवी से ज्यादा कूल हो गया है, जो सलमान को सही नहीं लगता। ओटीटी हैज सडनली स्टार्टेड बिकमिंग कूलर देन टेलीविजन, व्हिच आई डोंट थिंक सो। आई मीन दिस इज वन लॉट ऑफ पीपल। एक पहले जो पैरेलल सिनेमा हुआ करता था वो अब ओटीटी हो गया है। अब ओटीटी का पहले चक्कर, आई थिंक द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस ऑफ वाज आई थिंक राम गोपाल वर्मा, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ ऑन ओटीटी, एंड देन आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड वॉचिंग। एंड आई जस्ट थिंक दैट आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ कंटेंट। आई मीन सिंस, I mean, I've been here since 1989 and I have never done any of this kind of stuff. So I just think that there should be a censor on OTT and all this, you know, vulgarity, nudity, gali galoch should, you know, stop. Because ab sabke paas ye sab phone par aa gaya hai. So chalo 15 saal ka 16 saal ka bachcha dekh le, aapko acha lagega ki aapki choti si beti dekhe padhne ke bahane mein. So I just think that jo content should be checked on OTT, and jitna clean hoga content utna behtar hoga, and I think viewership uski zyada hogi. Aap ye dekh loge, aapne perform kar liya, aapne love making scenes kar liye, aapne kissing kar liya, expose kar liya, aur aap apne building ke andar ghus rahe hain aur aapka liftman, aapka watchman aapka content dekh raha hai. So I just don't think that wo अच्छा है। आई मीन फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फॉर वी डोंट नीड टू डू दैट। हिंदुस्तान में रहते हैं थोड़ा बहुत ठीक है, बट इतना ज़्यादा बीच में हो गया था, अब जाके थोड़ा कंट्रोल में आया है। नाउ पीपल स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट एंड डीसेंट कंटेंट। नेक्स्ट, सलमान ने बात की यंग एक्टर्स में से उन्हें किसने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस किया है, जिसके जवाब में सुल्तान फरमाए कि सब टैलेंटेड, फोकस्ड और हार्डवर्किंग है, पर उनके और उनके साथ के एक्टर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। अपने साथी एक्टर्स में सलमान ने शाहरुख, अजय, अक्षय और आमिर खान का नाम लिया। एक्टर ने कहा कि हम इन यंग एक्टर्स को खूब भगाएंगे, उनको कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर देंगे, हम अभी रिटायर नहीं होने वाले। These guys are really good, really talented, very talented. All of them are really hard working, they're all very focused. But the five of us are not going to give it up so easy. A five में कौन है? शाहरुख, आमिर, मी, अकी, अजय। We'll make them run for their money. We'll tire them out.
हम लोग की पिक्चरें चलती हैं, हम प्राइस बढ़ाते हैं और वो उसके चक्कर में जब हमें नहीं मिलता तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं, क्यों भाई? गाइस वेट, अभी पिक्चर बाकी है, अब तक तो ट्रेलर था। नेक्स्ट सलमान बोले पूरा इंडिया उन्हें क्यों भाईजान कहता है। सलमान ने खुद को मिली धमकियों पर बोला कि वो पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है जैसे कि मेरी। आपको बता दूं कि सलमान के पीछे काफी समय से गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई पड़े हैं। एक्टर की जान पर मंडराता खतरा देख फैंस परेशान हैं, मैं भी हूँ। धमकियों के बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक्टर को कभी धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं तो कभी नोट लिखकर वार्निंग दी गई है। जान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। अरे भाईजान उनके लिए है जो के भाई हैं और उनके लिए जो के हम बहन बनाना चाहते हैं। जाते जाते सलमान का एक पुराना किस्सा भी सुनते जाए। बात दरअसल फिल्म मैंने प्यार किया के रिलीज के बाद की है। एक्टर से कहा गया कि उन्हें अवार्ड मिलेगा तो वो अपने पूरे फैमिली के साथ पहुंचे सूट वूट पहनकर। फिर अनाउंस होता है बेस्ट एक्टर गोज टू जैकी श्रॉफ। ऑब्वियसली सलमान को बुरा तो लगना ही था। ये किस्सा साल 1990 के फिल्म फेयर अवार्ड्स का है और इसी शो में सलमान पहली बार परफॉर्म भी करने वाले थे। सो एंग्री सलमान ने डिसाइड किया कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ये सुनकर उस समय के एडिटर ने सलमान को मनाया और परफॉर्मेंस के लिए पैसे देने की बात की, लेकिन सलमान यहाँ खेल गए और उस समय 5 गुना कीमत लेकर परफॉर्म करने को तैयार हुए। Tell you my first ever film fair performance. I will not take the name of the editor at that point in time, but it was just after Maine Pyar Kiya. You can figure it out who it was. Okay. So I was told I should come for the film fair award. And that the award was going to be given to me. So I went there with my father. My father wore his suit, whole family went there, beautiful. And then was the nominations were announced. Best actor goes to Salman Khan. I stood up, then another name was taken. And then another name was taken and the award went to Jackie Shroff. So then, because I was told this, okay, I was going to get it. So my dad said, yeah, okay. Anyway, I was to perform that night for the first time. So I went backstage and I said, this is something I cannot do because this is not done. I don't care at all. I mean, Jackie's got it. He was damn good in Parinda, but you shouldn't have done this with me, and since you're my father's friend, you shouldn't have ever done this, you know. So he said, now, but you have to perform. I said, I cannot perform. So then suddenly he said, you know what, I'll pay you for this performance. So I said, how much? So he gave me a figure. So I said, it won't happen in this much. Little more. I took a substantial figure at that point of time, and five times. And then he said, please don't tell anyone. I said, this is the wrong person you're talking to. So there was, I think, Juhi and Aki there. So dosto, abhi ke liye itna hi. Mujhe de ijazat aur agli video ka kare intezar. Lekin subscribe ka button press kar do na yaar.